हाँ सॉरी, क्या हुआ? ओके कंटिन्यू, आपकी ऑडियो चली गई थी। हेलो कैन यू हियर मी नाउ? हाँ जी जी हाँ। सिंपल सा बैत ही सुना देता हूँ। इंटरनेट का प्रॉब्लम लग रहा है आसिफ भाई। यही ट्राई करें एक और बार, अभी तो बिल्कुल। उमर काका आप कुछ कहें? हाँ तो मैं से जो भर दी सजड़े सफर हलिया। दो मिनट उमर काका। जी जी जी। और जब आप बात भी कर रहे हैं तो आपका दृश्य बीच में अटक रहा है। और हुआ सुपरी आयन करा पी मुखे चाढ़े ची। बुद्ध आए, महावीर आए, कृष्ण आए, कबीर आए, रूपा तोला मीरा, सब कितने प्यारे प्यारे लोग आए चले गए, लेकिन धन्य है वो लोग जिन्होंने इनको स्पर्श करा, जिन्होंने इनकी बांह पकड़ी। तो मिल जो भाई हमारा, मिल जो भैया पकड़, क्योंकि जो भी एक बार बिछड़ गया वो लौट कर आने वाला नहीं, हो फिर वो मिलने वाला नहीं। How do you love in a world where there's loss like this, where you lose the ones you love? And Mira speaks certainly to that. The idea of that you get beyond sometimes those losses, but the longing doesn't necessarily go away, and Mira speaks to that. भक्तजनों ने कहा है कि वो पिया जो है मिलन की कौन सी टेम है, कब वो मुझसे मिलेंगे, कब वो आएंगे, मालूम है पिया है हमारे अंदर है, हम उन्हें जगा नहीं सकते, शक्ति चाहिए। परमात्मा की तरफ तो 5-7 मिनट की डोर जाती है, बाकी गृहस्थी में पूरी पूरा दिन रात जो है यही सोचता रहता हूँ। फर्श कच्चा है, मकान कच्चा है, घर में कार नहीं है, बच्चे बच्चे नौकरी लग जाए, लेकिन हम मोह माया में जकड़े हुए, हमें जानते हुए भी हम इस रास्ते से नहीं जा सकते। मालूम है हमें ये गेट खुला है, फिर भी इस गेट से हम नहीं जा सकते। मुखे चाढ़े ची आई व्योवण जारो ओ हरे ओ ओ ओलाम। अपने को हकीकत जो मौत की हाजिर नाजर समझना कि अभी मैं जिंदा हूँ लेकिन दो कदम आगे अगर मैं चल सकता कि नहीं चल सकता।
ये फना की कैफियत तस्वर में वो मौत को सामने देख रहा है। आज लोग मेरे जैसे शबनम सब सूफियत की दावा कर रहे हैं, लेकिन अगर खाना मिला तो भी कम लग रहा है। अगर इसी को कोई पैसा दिया तो, अगर 1,000 दिया तो लाखों की तमन्ना कर रहा है, लाख दिया तो करोड़ों की तमन्ना कर रहा है, ये सूफी नहीं है। ओ हरे ओ ओ ओ ओ लाम ओ ओ ओ। आप कभी एक ऐसी सृजनात्मक एकांत में अपने को पाते हैं कुछ क्षणों के लिए ही सही, जब आपकी अपने से मुलाकात होती है, अन्यथा तो आप संसार से बतिया रहे हैं, संसार में रहते हैं, दूसरा आदमी आपके बारे में चीज़ों को तय करता है, दूसरे आदमी से आपका संवाद है, विवाद भी है, झगड़े भी हैं, प्रेम भी है, आत्मीयता भी है, सब कुछ है, आपके बाहर है। मैं कहता हूँ हमारे भीतर एक ऐसा अजनबी है जिसकी हमसे कभी मुलाकात ही नहीं होती। आध्यात्मिक अनुभव के लिए आवश्यक नहीं है कि आप किसी मठ में चले जाएं, योग या तंत्र सम्मत कोई साधना करने लगे। इन सारी साधनाओं का लक्ष्य कुल मिला के इतना है, पहली बार आपकी आपसे मुलाकात करवा दी जाए। Oh,